कोहली जी प्यारा है, बच्चे तो भाई महा पागल है, पागल है, पागल कुत्ते भी बोल सकते हैं। पापा देखते मेरे ब्लॉग ये गाली वाली दे। अमर हर्ष बोल रहा है आज तो भले शाम हो जाए लेकिन प्रसाद ले तो खा के जाऊंगा, तो 8 बज जाए या 9 बज जाए तो केले कुछ भी मिल सकते, एक तो मिल ही जाएगा। मैं चार लूंगा। टीना बोल रही थी बस मेरे लिए दो लेना। जो भी 5-10 साल हम घिसते ना पढ़ाए वो इसी के लिए घिसते हैं भाई। ये चीज मेरे फालतू हमें भी कोई शौक नहीं आता भाई, 5-5-10 साल एक ही चीज में घिसे हम, लेकिन भाई इसका रुतबा ही अलग है, इसकी वैल्यू ही अलग है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। भाई मैं सुबह सुबह घर से काफ़ी दूर हूँ, जयपुर में एक जगह है मानसरोवर, वहाँ हूँ। यहाँ पे क्या सुबह सुबह भाई का कैंप चल रहा है तो वहाँ छोड़ने आए थे छोटे भाई को, और मेरे को भी आज जल्दी जाना है, मेरे को 8 बजे पहुँचना है हॉस्पिटल। तो मैं सोचा भाई पहले भाई को छोड़ देता हूँ उसके क्लिनिक पर, उसके बाद फिर मैं उसको मैं चला जाऊँगा हॉस्पिटल, ठीक है। तो अभी बजे हमें 7 और अपने को 1 घंटे में पहुँचना है, और यहाँ से मेरा कॉलेज भाई काफ़ी दूर है। तो बिना देरी करे चलते हैं, फालतू डांट खाए उससे क्या मतलब, ठीक है। और एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ भाई कैसा है। सुबह सुबह का सूरज दिख रहा है, इतना शानदार लग रहा है जिसकी हद नहीं है। कुछ ऐसा नज़ारा है भाई साहब यहाँ पे सुबह सुबह का, अलग ही भाई शानदार लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद में मतलब ऐसे सूर्यदेव को उगते हुए देख रहा हूँ। कोई ना, अब चलते हैं सीधा कॉलेज या हॉस्पिटल, कुछ भी बोल लो, दोनों एक ही है मेरे लिए। तो भाई सुबह सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं, काफ़ी दिनों बाद क्या है सुबह सुबह गाड़ी लेके आया हूँ मैं, ठीक है। एक बात तो देख ली भाई, जयपुर कभी सोता नहीं है। जितना ट्रैफिक मेरे को सुबह मिलता है ना, सॉरी जितना ट्रैफिक मेरे को दिन में मिलता है ना, उतना ही ट्रैफिक भाई मेरे को सुबह मिला। अब ये मतलब मैं घर से निकला था 6 बजे और अभी हो रहे हैं 7:30, और 8 बजे से मेरी है ड्यूटी, ठीक है। तो यही था सुबह सुबह का, पहले तो भाई को छोड़ के आया तो वहाँ तो इतना नहीं था, लेकिन इधर की साइड सिटी के साइड, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो मेन सिटी के बीच में है, तो भाई सिटी के साइड तो खतरनाक वाला ट्रैफिक रहता सुबह सुबह के टाइम भी। शायद वो इसलिए क्योंकि लोग बाग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, इसी चक्करों में ट्रैफिक रहता है, ठीक है। तो आगे अपन और सीधा चलते हैं IPD, और मैं आज जल्दी इसलिए आया हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न है वो मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन जल्दी आया हूँ तो जल्दी भी जाऊँगा, मतलब 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, ऐसे 5 बजे होती थी, ठीक है। तो चलते हैं आगे भाई आज की मजदूरी करने, सीधा चलते हैं, पहले अटेंडेंस लगाते हैं, वो ज़रूरी है भाई, वो नहीं लगाएंगे तो आज की ड्यूटी गिनी नहीं जाएंगी, एब्सेंट में आ जाएंगे, और मैं दोबारा नहीं करना चाहता है IPD के अंदर। तो चलते हैं सीधा। आज मेरे को पूरे वार का चार्ज मिला है, आज मैं एक इंटर्न नहीं हूँ, आज मैं एक IPD स्टाफ ही हूँ। तो आज जो भी गतिविधि होगी मेरे को नोट करना पड़ेगा, और उसी के साथ जो भी काम होंगे वो भी नोट करना पड़ेगा। और अभी 2-3 पेशेंट, उनको ऑपरेशन होना है तो उनका BP वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। तो BP वगैरह लेते हैं क्योंकि और भी काम है ना, ये फटाफट ख़त्म करते हैं, 2-3 पेशेंट हैं आज, इनको ऑपरेशन होना है। ये जो भी 5-10 साल हम घिसते ना पढ़ाए वो इसी के लिए घिसते हैं भाई। ये चीज मेरे फालतू हमें भी कोई शौक नहीं आता भाई, 5-5-10 साल एक ही चीज़ में घिसे हम, लेकिन भाई इसका रुतबा ही अलग है, इसकी वैल्यू ही अलग है। कोई ना भाई, अभी BP चल रहा है सबका, वो नोट कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं और क्या काम होता है।
हाइट क्या है यार आपकी? 6'4" हो, गजब यार। ये भी छोटा पड़ गया बॉस। ये भी छोटा पड़ गया। आज मेरे को इतना काम करना भी नहीं है, मस्त टेबल पे बैठा रहूँगा। जूनियर आएंगे, बीपी वगैरह दवाई वगैरह सारे वो देखेंगे। आज मैं ऐसे पूरे दिन भर मस्त टेबल पे बैठा रहूँगा बाड़ी के अंदर। बाड़ी के अंदर अच्छा जाए, आई होप आज का दिन अच्छा जाए। बाकी देखते हैं क्या टेंशन आती है या फिर नहीं आती। इसी के साथ अगर सीनियर डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो उनको राउंड करवाना है। बाकी जो भी पूरा वार्ड मेरे को दे रखा है, इसमें कितने डिस्चार्ज हो, कितने एडमिट होंगे, उनके देख रेख मेरे को करना है, ये सभी करना है। आज इतना काम तो है नहीं जितना एज ए इंटर्न करना पड़ता है। बाकी सही है। एक टाइम पे भाई ऐसे आईपीडी में क्लास हमारी भी होती थी और आज इनकी हो रही है। थोड़ा बहुत काम तो भाई मेरे जूनियर कर देते हैं, बाकी इनके जाने के बाद मेरे को करना पड़ेगा। अभी चल रहा है मैम का राउंड। अब जैसे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मैम या सर होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, उनके राउंड चलते हैं। जो मेरे को जो डिपार्टमेंट दे रखा है उसका अभी राउंड चल रहा है। इसमें राउंड में क्या क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा। राउंड होने के बाद फाइलें जमा होती है सारी के सारी एक जगह, तो वही काम है इंचार्ज का, वही काम होता है। मतलब लास्ट में राउंड हो जाए उसके बाद इसको आईपीडी का जो मेन रूम है वहाँ जमा करनी है। One eternity later. कल 2 चाय मंगाई थी, आज 4 चाहिए स्पेशल। मैंने बॉस के देखे थे क्या? कल आपने ब्लॉग बनाया था ना, वो वाला डाला था नहीं, वो मैंने देखा था। डाल वो सारे आते हैं इंटर्न के, कमेंट आते हैं भाई इंटर्न के ब्लॉग रेगुलर आने चाहिए। तो भैया चाय पीते और वापस चलते हैं। खाना दो दिन के समय भाई, जो भी है ऐसे पेशेंटों को खाना दिया जाता है जो भी आईपीडी में भर्ती होते हैं उन। तो भाई टाइम हो चुका है 2, इसका है लंच और मेरी है छुट्टी। आज मैं जल्दी फ्री हो गया क्योंकि मैं जल्दी आया था। इसके साथ खाना वाना खाता हूँ, ये जाएगी ड्यूटी पे वापस और मैं या तो कुछ काम होगा तो यहाँ रुकूँगा नहीं तो घर लिख लूँगा। आज क्या है, मम्मी थी नहीं तो मैं खाना लेके आया नहीं, तो बाहर से कचौरी समोसे और प्रियंका चावल लाइए तो वही खाते हैं क्योंकि तो भूख बहुत खतरनाक बनने लग रही है। आज क्या है, मैं जल्दी फ्री हो गया ना 2 बजे, तो हमारी क्लास में अर्चना है, जानते होंगे वीडियो में देख ही ली होंगे, ठीक है। उसका एक छोटा सा बेबी है जो मेरे को बहुत पसंद है और वो यहीं कॉलेज के पास ही रहती है आगे जाके, तो मैं देखा आज फ्री हो ही गए तो अर्चना से मिल लेंगे। उसका जो बेबी है उसका नाम है तेजस और उससे भी मिल लेते हैं। तो 3-4 वीडियो में उसको लिया था मैं, तेजस को, उसके बेबी को, भाई बहुत व्यूज़ आए थे, तो इसी बहाने भाई उससे मिल भी लूँगा और व्यूज़ भी आ जाएंगे थोड़े बहुत, क्या पता उसके नाम से, ठीक है। तो उससे मिलने चलते हैं। चल रहे किधर? मामू आए। मामू आए भाई, सो रहा है। मैं इसके लिए बोल के तो आया था, अरे जग गया जग गया जग गया जग गया। अरे आ जा मेरे पास, आ जा। जान गया क्या? जाना नहीं जाना? कौन है? हम नहीं जानते कौन है। जान गया क्या? प्रिंसेस बोलो, हम नहीं जानते कौन है। ओ भाई अंगड़ाई देख, इसकी अंगड़ाई। ओ भाई साहब। चलो ठीक है भाई। तो भाई लोगो, अर्चना के घर से सीधा मैं वापस कॉलेज आ गया और यहाँ पे क्या आज हमारे पेशेंटों के लिए भोजन प्रसादी रखी गई है, जिसमें हमारे वीसी देखो बीच में ये बैठे, ये बैठे चश्मे वाले कुलपति इस पूरे संस्थान के। हर्ष, सैलरी कितनी होगी तेरे हिसाब से इनकी? होगी 1.5 लाख। चल रहे डॉक्टर को मिलती है इतनी तो, 1.5 लाख। कुलपति हो संस्थान का, बजट आता है 1400 करोड़ अपना। 4-5 लाख तो कम से कम मिलता है, 4-5 लाख तो, जिसमें 2 लाख तो टैक्स का जाता होगा इनके पास। देख लो भाई हमारे कुलपति, पूछता कौन है तुम्हें? कोई नहीं पूछता भैया। ए भाई साहब, इनका बस चले तो अपन के हाथ में झाड़ू दे दे, झाड़ू दे दे और झाड़ू साफ करो, तुम्हारी यही औकात है। यही औकात है। जबकि बजट कितना आता है यहाँ पे?
ओए भाई शाम के समय मेरा कॉलेज देख लो कितना प्यारा लगता है, कॉलेज ही प्यारा है, बच्चे तो भाई महा पागल है, पागल है, पागल कुत्ते भी बोल सकते हैं। पापा देखते मेरे ब्लॉग ये गाली वाली दे और हमारा अर्श बोल रहा है आज तो भले शाम नहीं, हमारा हमारा अर्श बोल रहा है आज तो भले शाम हो जाए लेकिन प्रसाद ले तो खा के जाऊंगा, तो 8 बज जाए या 9 बज जाए तो कुछ भी मिल सकता है, एक तो मिल ही जाएगा। टीना बोल रही थी बस मेरे लिए दो लेना, पूछता कौन है तुम्हें ये भी सर भी नहीं पूछते हमें भाई, देख लो पेशेंटों की भी इतनी इज्जत है यहाँ पे लेकिन हमारी नहीं है भाई साहब, ऐसा है यार। तो ऐसा था भाई आज का दिन, रोटी जल्दी खत्म हो गई थी, उसके बाद मैं फिर भी घर नहीं गया क्योंकि मैं कुछ दवाइयाँ लेनी थी, वो दवाइयाँ ली, अर्चना से मिल के आ गया, जूनियर के साथ थोड़ी हंसी मजाक किया, ग्राउंड में बैठा काफ़ी दिनों बाद, जैसे हम क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे में बैठते थे, तो मस्ती किया, मतलब अच्छा था दिन आज का ओवरऑल देखा जाए तो। ड्यूटी भी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, नॉर्मल ही थी, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले ब्लॉग के अंदर।